न्यू चैप्टर है हमारे पास लिमिट्स। लिमिट्स में हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था फंक्शन चैप्टर। फंक्शन में क्या हुआ था हमारे पास, फंक्शन में पढ़ा था मैंने वन वन और ऑन टू। ओके, सेम फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट्स को स्टार्ट करना है। लिमिट्स में क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक लिमिट होती है, जैसे मैंने बोला कि क्लास की एक लिमिट होती है कि हमें यहाँ पे इतना ही बोलना है और इतना ही हमें करना है, इसके आगे नहीं करना है और इसके पीछे भी करना है। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्लास का, क्लासरूम। क्लासरूम में क्या होता है, एक बाउंड्री कंडीशन होती है, जैसे कि यहाँ एक बाउंड्री है, एक अपोजिट साइड बाउंड्री है, एक लेफ्ट साइड बाउंड्री है, एक राइट साइड बाउंड्री होती है। तो हमें क्या करना है, उस क्लासरूम की बाउंड्री क्या है, जैसे बाउंड्री कंडीशन जो है हमारे पास, वो कॉर्नर पे एक बेंच होगी एंड इस कॉर्नर पे एक बेंच होगी, एक हमारे पास बैक साइड पे बेंच होती है और एक हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे बेंच होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, लिमिट्स को ही इसी तरीके से ब्रेक किया गया। जैसे मैंने बोला कि फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस टू। तो आपको ये फंक्शन दे दिया गया, इस फंक्शन को आपको यहाँ पे इसको लिमिट दे दी गई कि x इक्वल टू टू पर इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ओके, तो x इक्वल टू टू पर इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, आप जैसे ही यहाँ पे x टू रखोगे क्या मिलेगा होगा, टू स्क्वायर माइनस टू फोर अपॉन टू माइनस टू, दैट इज हमारे पास फोर माइनस फोर अपॉन में टू माइनस टू जीरो, राइट, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है हमारे पास। तो यहाँ पे जीरो बाई जीरो फॉर्म में बन जाएगी, तो ऐसा तो कोई लिमिट नहीं होती है कि जो कि नॉट डिफाइंड को टच करती है। ऐसा आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि किसी एक पोजिशन की भी या किसी एक पर्सन की भी ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है जो हमेशा नॉट डिफाइंड हो। ओके, तो हमें उस कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई करना है जिसमें आपको इस पॉइंट पे वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक कंडीशन पढ़नी है हमने, यहाँ पर x इक्वल टू टू पर लगानी है। तो यही कंडीशन है, जैसे मैंने कंसिडर किया कि ये नंबर लाइन है, ये है हमारे पास x इक्वल टू टू। ओके, हम क्या बात करेंगे, टू से राइट साइड की बात और टू से लेफ्ट साइड की बात करेंगे। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, टू से लेस नंबर मतलब 1.99999 एंड टू से राइट साइड मतलब 2.00001। ओके, तो हम इन दोनों वैल्यूज में आप वैल्यू निकालोगे, आपको एग्जैक्टली जो टू का वैल्यू है वो मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन की बात करनी है, हमने क्या किया, लिमिट लगाई, लिमिट एक्स टेन इंटू टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस में फोर अपॉन में एक्स माइनस में टू। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं राइट साइड मतलब राइट हैंड लिमिट, इसको आर एच एल बोलते हैं, राइट। तो RHL एलिमेंट्स टू पॉजिटिव लेंगे और LHL मतलब टू नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं लिमिट के, LHL एंड RHL। लिमिट x टेंड्स टू टू नेगेटिव, हम क्या करते हैं टू की पावर में नेगेटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक तरीके से पावर नहीं है वो, टू माइनस मतलब टू का नेबरहुड है लेफ्ट साइड, और जो हमारे पास टू पॉजिटिव है उसे बोलते हैं टू का नेबरहुड विद राइट साइड। तो यहाँ पे फंक्शन को वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर माइनस में फोर अपॉन में x माइनस में टू। ओके, इससे क्या होगा, जैसे हमने टू नेगेटिव की बात की तो हमने क्या देखा, यहाँ पर टू पॉजिटिव पुट करेंगे तो फंक्शन को हम वही रखेंगे जैसा कि हम रख रहे हैं। तो टू पॉजिटिव का मतलब है मैंने क्या रखा, x की वैल्यू टू प्लस एच रखा, जहां पर h टेंड्स टू क्या है जीरो, h जीरो को टच कर रहा है, हमने यहाँ पे रखा लिमिट x टेंडिंग टू टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव अब नहीं रहेगा, क्या हो गया, h टेंड्स टू जीरो हो गया। h tends to 0 मतलब h tends to 0, यहाँ पे क्या रखा 2 plus h perfect square minus में 4 upon में 2 plus h minus में 2, right? तो यहाँ पे क्या होगा, limit h tends to 0, 2 plus a plus b का perfect square, तो हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, क्या होता है a square plus b square minus 2ab, तो 2 into 2 मतलब 4h, right? 4h और माइनस में 4 अपॉन में ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास h, h को मैंने पुट कर दिया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे 4 से 4 कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास h स्क्वायर प्लस में 4h अपॉन में h। मैंने यहां से एक चीज और देखा कि न्यूमरेटर में h कैसा आ रहा है, कॉमन हो रहा है, तो मैंने यहां पे कॉमन भी कर लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन किया तो क्या हो गया हमारे पास यहां पर h प्लस 4 अपॉन में h, देन h एंड h ये भी कैंसिल हो गया। देन हमने क्या किया, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, क्या लगता है यहाँ पे एच प्लस फोर। आफ्टर दैट देखा हमने यहाँ पे जीरो अगर पुट कर दे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे अप्लाई लिमिट किया, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिल गया जीरो प्लस फोर। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास ये वैल्यू दी गई है एच की, एच टेंस टू जीरो दिया गया है तो जहां पे हमारे पास एच होगा वहां पे मैंने क्या किया जीरो पुट कर दिया, तो क्या हो गया जीरो प्लस फोर आंसर एच आर एच एल आ गया हमारे पास फोर। और अगर हमारे पास यही दोनों चीजें आर एच एल और आर एच एल दोनों सेम आ जाएंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा वही वैल्यू जो होगी वो लिमिट की आंसर हो जाएगा, मतलब इस फंक्शन का हमारे पास आंसर हो जाएगा। फंक्शन मैंने साइन अप कर दिया है, मैं फिर से लिख देता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में फोर अपॉन में एक्स माइनस में टू, और किसने फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल टू टू पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मींस हमने अभी आरएचएल आपको सॉल्व किया हुआ है, इसके बाद आप इतना नोट कीजिए फिर हम लोग क्या करेंगे एलएचएल सॉल्व करेंगे। ओके एक मिनट नोट कीजिए, देन अभी मैं इसको रख कर रहा हूँ आरएचएल की वैल्यू, आप आरएचएल की वैल्यू लिख चुके होंगे, आरएचएल की वैल्यू क्या आई है फोर। अब हम बात करेंगे एलएचएल की वैल्यू की। ओके देन हम बात करने जा रहे हैं एलएचएल की। एलएचएल क्या होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया कि टू माइनस, टू माइनस का मतलब है टू से कम, टू से कितना कम ये आपको डिफाइन नहीं होता, इसीलिए हम क्या लेते हैं एच लेते हैं। एच मतलब एच टेंस टू जीरो मतलब वेरी 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 निगेटिव पर्सन। ओके मतलब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पे क्या लेगा हमसे वैल्यू टू माइनस एच, टू माइनस एच स्क्वायर माइनस में फोर अपॉन में टू माइनस एच एंड माइनस में टू। मैं एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड मतलब टू से लेस नंबर बंदे 1.99999 एंड टू से राइट साइड मतलब टू प्लस का मतलब है 2.0001। ओके मतलब ये नियर अबाउट जीरो को टच कर रही होगी, और आपने अभी तक सीखा भी है कि अगर कहीं पर 1.999999 ऐसे लिखा होगा तो आप इसको क्या लिखते हो एक्सपेक्टेड क्या देते हो टू राइट लिख देते हो। वही बात कर रहा हूँ यहाँ पे टू नेगेटिव है तो हम टू नेगेटिव की बात कर रहे हैं जहाँ पे एच क्या है वो जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब क्या है एच की वैल्यू है 0.0000001, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो जीरो ही है बट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर हमारे पास एलएचएल और आरएचएल दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एट एक्स इक्वल टू टू पर। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी माइनस में फोर अपॉन में टू, टू एंड टू क्या हो गया कैंसल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास माइनस एच। ओके तो अब देखिए यहाँ पे फोर एंड फोर कैंसल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा लिमिट एच टेंस टू जीरो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस में फोर एच अपॉन में माइनस एच। ओके हमने यहाँ से देखा माइनस एच है, मैंने यहाँ से माइनस एच कॉमन कर दिया तो क्या देगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचेगा ये जो माइनस एच है वो कॉमन होने के बाद क्या हो जाएगा प्लस एच फोर हो जाएगा देन फोर माइनस में एच अपॉन में माइनस एच, माइनस एच एंड माइनस एच कैंसल आउट हो गया देन हमने क्या किया फिर से किया अप्लाई लिमिट कर दी, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट जैसे ही अप्लाई की वहां पे क्या आंसर क्या आ जाएगा जी फोर माइनस जीरो आंसर इज फोर। अच्छा ध्यान से देखिए अगर आपको समझ में आ चुका है कि एलएचएल की वैल्यू क्या है हमारे पास फोर आई है और आरएचएल की वैल्यू भी क्या आई थी फोर आई थी देन आपका आंसर क्या हो गया इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इसको ऐसा लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू टू एक्स स्क्वायर माइनस में फोर अपॉन में एक्स माइनस में टू इज इक्वल टू फोर। ओके ये तो हो गई वापस एक डेरिवेशन की बात। अगर हमें ये फंक्शन सी ए फाउंडेशन में आ गया तो कैसे करेंगे, तो सी ए फाउंडेशन में करने के लिए इतना कुछ नहीं करना होता है, सी ए फाउंडेशन में एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि लिमिट एक्स आपको क्या दिया गया है एक्स टेंड टू टू। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या देखा ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में टू स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स माइनस में टू लिखा हुआ है। ओके तो यहाँ पे क्या देगा लिमिट एक्स टेंड टू टू, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया ए माइनस बी एंड ए प्लस बी मतलब एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस
टू अपॉन में एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस टू क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या बचा लिमिट एक्स टेन इंटू टू, यहाँ पे एक्स प्लस टू बचा हमारे पास, एक्स प्लस टू को अप्लाई लिमिट किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू प्लस टू। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आना होगा टू क्यों नोट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो हो रहा है टेंस टू टू, मतलब मैंने x की वैल्यू टू पुट की है, तो टू प्लस टू कितना हो जाए फोर, देन आंसर इज अ फोर। ओके ये है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक, इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके यू हैव टू नोट इट। अब बात करते हैं इसी के जो मैंने अभी पढ़ाया आपको इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जैसा कि अभी आपको बताया हुआ है कि लेफ्ट हैंड कैसे सॉल्व करते हैं और राइट हैंड कैसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड के लिए हम जो भी जिस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया जाएगा वो पॉइंट जिस पे आपको इसकी बात करनी है कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंस लिमिट को एग्जिस्ट करेगा और किस पे नहीं करेगा। मैंने एक बात किया कि लिमिट्स की, अब सेकेंड पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। ओके ये पॉइंट है, तो अभी आपको बताया लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या करेंगे, आपको अगर फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, एक फंक्शन दे दिया गया और आपसे बोला है एट x इक्वल टू a पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे a से लेफ्ट हैंड के लिए क्या करेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंडेड एंड लिमिट। ओके इसके लिए क्या करेंगे लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, a नेगेटिव का मतलब होता है हमारे पास a से लेस पोर्शन। ओके लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या जाएगा एफ एक्स। ओके एंड यहाँ पे सेकेंड बात है राइट हैंड लिमिट के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, क्योंकि जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उससे राइट साइड का पोर्शन, राइट साइड पोर्शन क्या होता है ए पॉजिटिव होता है, तो ए पॉजिटिव एंड एफ एक्स। ओके ये होता है हमारे पास इवैल्यूएट करने का मेथड। ओके यू हैव टू नोट इट। ओके फिर हम लोग बात करते हैं अभी क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन किस तरीके का खुदा बोलता है। ओके क्वेश्चन लिखिए इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, इवैल्यूएट क्वेश्चन है ये इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन। ओके फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, कब सब ये जीरो से ग्रेटर एंड वन से लेस है। ओके फिर टू माइनस एक्स ये कब है जब ये फंक्शन एक्स वन से जो है ग्रेटर है। ओके और किस पॉइंट पे माइंड करना है एट एक्स इक्वल टू वन पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की। ओके तो इतना नोट कीजिए क्वेश्चन को, फिर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की। मैं इस बोर्ड के दो पोर्शन कर रहा हूँ, एक लेफ्ट साइड के लिए और एक राइट साइड के लिए। ओके मैंने इस पोर्शन के लेफ्ट साइड लिखा एल एच एल, तो अब बात करनी है हमें लिमिट, मतलब अब बात करनी है लिमिट एक्स टेंड इनटू किस पॉइंट की बात की है वन की, तो हम क्या करेंगे वन निगेटिव। अच्छा वन निगेटिव का मतलब क्या हुआ वन से लेफ्ट साइड का फंक्शन, अच्छा लेफ्ट साइड का फंक्शन क्या होता है हमारे पास ध्यान से देखिए वन से ग्रेटर मतलब होता है वन से राइट साइड का पूर्ण फंक्शन, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है टू माइनस एक्स ये हम राइट साइड के लिए बात करेंगे और ये तो दिया हुआ है वन से लेस उसके लिए हम इस फंक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस
एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वन नेगेटिव लिया है, इसलिए हम वन से लेस पोर्शन लेंगे। ओके, अगर हम इसी तरीके से राइट हैंड की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की, तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पॉजिटिव। ओके, वन पॉजिटिव करेंगे, वन पॉजिटिव भी अभी आपको बताया कि वन से ग्रेटर पोर्शन है, वन से ग्रेटर पोर्शन है मतलब टू माइनस एक्स फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे वन नेगेटिव है तो फिर से हमारे पास वही मेथड क्या कि x को क्या करेंगे, वन माइनस x से रिप्लेस करेंगे। ओके, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और x से रिप्लेस कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वन माइनस एच स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे किया, अच्छा इसकी बात कर लो पहले, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन माइनस, इसको ओपन करेंगे, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच। ओके, देन लिमिट एच टेंड टू जीरो वन माइनस वन, ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस में एच स्क्वायर प्लस में टू एच। ओके, वन एंड वन क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया, देन यहाँ पे क्या बचा, लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एच स्क्वायर प्लस में टू एच। देन आफ्टर अप्लाइंग लिमिट करेंगे, तो वैसे ही मैंने लिमिट को अप्लाई किया, अप्लाई लिमिट, अच्छा आपको ध्यान से दिख रहा है यहाँ पे जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, फिर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो आ गई। राइट हैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, लिमिट एच टेन इंटू जीरो, इसको लिखेंगे वन प्लस से रिप्लेस करेंगे तो टू माइनस वन प्लस एच। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे या फिर ओपन कर देते, सॉल्व कर देते थोड़ा सा, लिमिट एच टेन टू जीरो टू माइनस वन माइनस एच। ओके, देन हमने लिमिट अप्लाई की, अप्लाई लिमिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो, आंसर इज वन। ओके, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट हैंड लिमिट वन है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू बतानी है, तो आपको डायरेक्टली आंसर राइट है। अगर आपसे बोले कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है वन पर, तो ये फंक्शन लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि एलएचएल की वैल्यू भी आ रही है हमारे पास जीरो आ रही है और आरएचएल की वैल्यू भी आ रही है हमारे पास वन आ रही है। तो हमारे पास ऐसा हो सकते हैं एलएचएल इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का एक पार्ट नहीं है, तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की आंसर क्या आया है, जीरो आया है, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया है, वन है। ओके, यू ऑल नोट इट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, बात करो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इफ इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन में एक्स एंड यहां पर है टू, ये कब है जब x जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये कब है जब x इक्वल टू टू जीरो। ओके, हमें क्या फाइंड करनी है, लिखिए शो दैट, फुल स्टॉप, शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो fx, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट? एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, और उस पॉइंट पे फंक्शन, जैसे मैंने बात किया था यहाँ पर एक नंबर लाइन है, सॉरी ये नंबर लाइन दी हुई है, ये मैं इस पॉइंट पे बात कर रही है x = a पर, तो मैंने राइट हैंड की बात की थी, क्या a पॉजिटिव,
लेफ्ट हैंड की बात की थी, ए नेगेटिव, ओके, ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, दो पॉइंट होते हैं मेरे पास, ए पॉजिटिव, ये पॉइंट है ए, ए से पॉजिटिव राइट साइड, ए पॉजिटिव, ए से लेफ्ट साइड, ए नेगेटिव। अगर ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन यहां तक इन दोनों की वैल्यू सेम है, बट जो ए है इस पर वैल्यू सेम नहीं है, मतलब कहने का है कि यहाँ पे ये जो हॉलो सर्कल है, हॉलो सर्कल का मतलब इस पॉइंट में लिमिट ब्रेक हो गई है, तो हमारे पास ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होती है, ओके। इसीलिए मैंने बोला था कि हम अभी एग्जिस्टेंस की बात बाद में करेंगे, तो वो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि हमें एग्जिस्टेंस की बात करनी पड़ रही है, कि क्वेश्चन में आपको बताया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये प्रूव कर रहे हैं, ओके। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि जीरो को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज पे, जीरो को छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज पे फंक्शन का यूज करेंगे, इस फंक्शन का यूज करेंगे, और जीरो पे ये फंक्शन यूज करेंगे जीरो का, मतलब यहाँ पे कहने का है, अब यहाँ पे दो वैल्यू निकालेंगे एल एच एल एंड आर एच एल, तो एल एच एल की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की बात की हमारे पास जीरो पे बात करनी है, तो हम जीरो से लेफ्ट साइड की बात करेंगे, जीरो से लेफ्ट साइड फंक्शन क्या जाएगा, एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन में एक्स, ओके। तो अच्छा आपको मॉड एक्स फंक्शन जब पढ़ाया था, तो मॉड एक्स के बारे में बताया था कि जीरो से राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, और जीरो से लेफ्ट साइड होगा तो ये जो मॉड है वो उसके साथ क्या होता है, माइनस से नाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एच टेंड टू करेंगे जीरो, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने एच को पुट किया, एच माइनस माइनस एच जीरो माइनस, सॉरी जीरो माइनस एच माइनस मॉड में जीरो माइनस एच अपॉन में माइनस एच जीरो माइनस एच, ओके, ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस एच, क्या आएगा माइनस एच, यहाँ से देखिए क्या माइनस एच है, और ये माइनस साइन, और मॉड के अंदर माइनस, तो मॉड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मॉड के अंदर माइनस है तो बाहर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब माइनस एच अपॉन में माइनस एच, फिर लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस टू एच अपॉन में माइनस एच, माइनस और माइनस खत्म, एच एंड एच खत्म हो गया, क्या हुआ लिमिट एच टेंड टू जीरो, यहाँ पे है टू। अब हम क्या करेंगे इसके अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, लिमिट जैसे ही अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि यहाँ पे कुछ तो एच है ही नहीं, एच नहीं है तो दैट की क्या करेंगे आप इसका आंसर लिख दोगे, ये बात किया मैंने आर एच एल एल एच एल की। अब बात करेंगे हम आर एच एल की, तो आर एच एल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, आर एच एल क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, देखो यहाँ पे जीरो से लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन है, वहां पे इनइक्वालिटी दी हुई थी कि जीरो से राइट है जीरो से लेफ्ट है, तो हम यहाँ पे जीरो की बात करें तो जीरो से राइट की बात करें तो x माइनस मॉड x अपॉन में x हुआ, लिमिट x टेंड टू जीरो x को रिप्लेस किया जीरो प्लस x से माइनस जीरो प्लस h विद मॉड साइन अपॉन में जीरो प्लस h, ओके। देन आफ्टर दैट यहाँ पे लिमिट x टेंड टू जीरो h माइनस, अच्छा मॉड के अंदर क्या है प्लस एच है तो बाहर आके कैसा आएगा प्लस आएगा, एच माइनस एच अपॉन में एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो जीरो अपॉन समथिंग, आंसर इज द जीरो, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने का मौका ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर पोर्शन जीरो है, डिनोमिनेटर कुछ भी होगा तो आपका आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, देन की वैल्यू आ गई जीरो। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा देर पहले तो बताया था आपको कि एल एच एल यहाँ पे नहीं इक्वल है किसके आर एच एल के, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एक्सिस्ट। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बात बताई है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ओके नोट इट। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
एक्सप्रेशन लिखे इफ एफ एक्स इक्वल टू इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस फोर सॉरी फाइव एक्स माइनस फोर फोर एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स वेन जीरो टू वन जीरो टू वन एंड वन टू टू यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है सॉरी वन टू टू शो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट ओके ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी अप्रूव कर रही है फिर से बात करेंगे उस एक क्वेश्चन की एल एच एल एन आर एच एल ओके ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे एल एच एल की बात करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू किस पॉइंट की बात कर रहे हैं लोग वन की तो वन से क्या करेंगे यहाँ पे वन निगेटिव एल एच एल की बात कर रहे थे वन निगेटिव वन निगेटिव के लिए फंक्शन कौन से है वन ग्रेटर देन मतलब वन से राइट साइड का पोर्शन ये दिया हुआ है वन से लेफ्ट साइड का पोर्शन ये दिया हुआ है मतलब फाइव एक्स माइनस में फोर यहाँ पे क्या रहेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव इंटू वन माइनस एच फाइव इंटू वन माइनस एच एंड माइनस में फोर देन लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव माइनस में फाइव एक्स माइनस में फोर लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस में फाइव एच अप्लाइंग करेंगे लिमिट को अप्लाइंग लिमिट देन वन माइनस जीरो एल एच एल का वैल्यू आ गया हमारे पास वन ओके अब यही बात मैं यहाँ पे आर एच एल में करता हूँ आर एच एल क्या करेंगे आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन से हमारे पास वन से राइट साइड की वैल्यू दी गई है तो हम फोर एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स की वैल्यू बात करेंगे फोर एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स ओके तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट एच एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर इन ब्रैकेट वन प्लस एच क्यूब माइनस थ्री इन ब्रैकेट वन प्लस एच ओके देन लिमिट को ओपन कर देंगे या डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं अप्लाई लिमिट यहाँ पे करेगा फोर इन ब्रैकेट वन प्लस जीरो क्यूब माइनस थ्री इन ब्रैकेट वन प्लस जीरो फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ पर वन पे एल एच एल भी कैसा है और आर एच एल भी कैसा है मतलब क्या हो गया एल एच एल इक्वल टू आर एच एल दिख रहा है हमारे पास क्वेश्चन में एल एच एल की वैल्यू भी वन है और आर एच एल की वैल्यू भी वन है मतलब कहने का है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है किस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू वन पर ओके लेट्स ओके नोट कीजिए फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ये तो बात हो गई हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करने की अब हम कभी कभी यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया और डायरेक्टली लिमिट दी हुई थी तो हमें क्या करना होगा हमें वहां पे ये बताना है कि एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ओके Discuss the existence of following limits. दो क्वेश्चन दिए हुए आपके पास यहाँ पर दो क्वेश्चन में एक मैं आपको बताऊंगा और एक आपको होमवर्क के लिए करना होगा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन बाय एक्स वन बाय एक्स सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट
x tends to 0 1 अपॉन मॉड एक्स। ओके ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और एक आपको ट्राई करना है। ओके मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, सेकेंड क्वेश्चन सेम वैसे ही है बट यहाँ पर x है और यहाँ पर मॉड x है, तो मॉड को ओपन करना होगा फर्स्ट, उसके बाद आपको लिमिट एग्जिस्ट की बात करनी है। तो बात करते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू फंक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 अपॉन में x, और किस पॉइंट की बात कर रहे हैं लोग 0 पे, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0, सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू लिखी हुई है 1/x। ओके तो हम बात करेंगे फिर से LHL और RHL, LHL में क्या बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 की बात कर रहे हैं, फंक्शन तो हमारे पास यही रहेगा 0 नेगेटिव, यहाँ पे बात करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, और fx क्या है हमारे पास 1/x। ओके तो अब बात करते हैं 0 नेगेटिव ही, तो हम रिप्लेस करेंगे इससे x टेंडिंग टू 0 1/0 - x। ओके 0 माइनस x का मतलब है जैसे ही मैंने लिमिट को अप्लाई लिमिट किया लिमिट, अच्छा ध्यान से देखिए ये एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है -1/h, ये 0 माइनस एच माइनस एच और 1/-h क्या होता है -1/h, मैंने यहाँ पे लिमिट को अप्लाई किया -1/0 दैट मींस माइनस नॉट डिफाइंड है। ओके अभी आपके दिमाग में नॉट डिफाइंड होता ही नहीं है, बट इस क्वेश्चन में और कोई मेथड नहीं है सॉल्व करने का, क्योंकि ये 1/x है और 1/x कैसा होता है नॉट डिफाइंड को ही टच करता है। ओके तब ऐसे हो गया, यहाँ बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1/0+h, 0+h है मतलब क्या लेना हो गया कि यहाँ पे हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट ये हो जाएगा 1/0 दैट मींस प्लस नॉट डिफाइंड, अच्छा आपको दिखाई दे रहा है कि ये माइनस नॉट डिफाइंड है और ये कैसा है प्लस नॉट डिफाइंड है, मतलब कहने का है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इन सब बातों का यूज बहुत है अभी इस चैप्टर में नहीं, इसके बाद में जो चैप्टर होगा कंटिन्यूटी उसमें भी आपको यही सब पढ़ना है, इसलिए बेसिक अच्छे से लेकर लीजिए, क्योंकि बेसिक नहीं होगा तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर कोई भी डाउट होता है आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके तो यहाँ पे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL हो गया, मतलब क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। Note it. Okay, next question आप कीजिए, इसको ट्राई कीजिए 1/x को, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको ट्राई कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो लिखिए नेक्स्ट, लेट fx इक्वल टू cos x,
एंड सेकेंड है x प्लस के, x प्लस के ये कब है हमारे पास, ये है x ग्रेटर देन 0 के लिए और ये है x लेस देन 0 के लिए. ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट k गिवन दैट, गिवन दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट. ओके ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कहने का है कि यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL गिवन है. ओके क्वेश्चन ने पहले से आपको मेंशन किया हुआ है कि गिवन दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट. तो यहाँ पे कहने का है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है ये लिया हुआ है x plus k equal to limit x tend into 0 positive function दिया हुआ है cos x greater than के लिए. ओके हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि एग्जिस्ट कर रही है. तो मैंने क्या किया, 0 लिमिट x tend into 0 0 minus h plus k equal to limit x tend into 0 cos 0 plus h. तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h प्लस k इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट यहाँ पे क्या जाएगा, 0 प्लस k इक्वल टू cos 0 और cos 0 की वैल्यू आपको पता है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, k की वैल्यू आपको पता है. ओके जहाँ पे आपको क्वेश्चन ने दिया गया कि आपको फंक्शन की वैल्यू कौन सी बतानी है, तो हमें क्या करना है, LHL इक्वल टू RHL करना है. ओके नोट इट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिमिट लेट fx बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, लेट fx बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4x minus 5, 4x minus 5 and x plus lambda, sorry x minus lambda, x less or equal to 2 and here x greater than 2. Find lambda if limit x tending to 2 fx exists. ओके सॉल्व कीजिए, सेम मेथड से सॉल्व करना है जैसे अभी हम लोगों को सॉल्व कर रहे थे. ओके एक बार आप ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व. देखिए आपने क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको बात करें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कहने का है यहाँ पे LHL और RHL दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे. मैं यहाँ पे इक्वल की बात कर लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा कि लिमिट यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल इक्वल हो, यहाँ पे क्या देगा जिस पॉइंट की बात की है उसका लेफ्ट साइड मतलब टू निगेटिव, यहाँ पे क्या देगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा, एक्स लेस देन टू के लिए फंक्शन क्या है फोर एक्स माइनस फाइव, यहाँ पे दिए गए हैं फोर एक्स माइनस में फाइव, ओके, और यहाँ पे पुट किया यहाँ पे क्या है एक्स माइनस में लैम्डा, ओके। आफ्टर दैट वी हैव टू सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे लिमिट एच टेन टू जीरो फोर इन ब्रैकेट टू माइनस एच माइनस में फाइव इक्वल टू लिमिट एच टेन टू जीरो यहाँ पे टू प्लस एच माइनस में लैम्डा, ओके। देन आफ्टर दैट लिमिट एच टेन टू जीरो एट माइनस फोर लैम्डा माइनस में फाइव इक्वल टू लिमिट एच टेन टू जीरो टू माइनस एच माइनस में लैम्डा अप्लाई लिमिट यहाँ पे रहेगा एट माइनस फाइव थ्री थ्री माइनस जीरो इक्वल टू टू माइनस लैम्डा, क्योंकि एच तो जीरो है हमारे पास तो यहाँ पे क्या हो गया थ्री इक्वल टू टू माइनस लैम्डा, ओके। देन टू माइनस लैम्डा एंड लैम्डा इक्वल टू टू माइनस थ्री देन लैम्डा इक्वल टू माइनस में, ओके, ये आपका लैम्डा का आंसर होगा, ओके। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदे लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ सकें कि आपको कितना समझ में आया है, ओके। आफ्टर दैट लेक्चर आप जो के पास वर्कशीट है या बुक है उसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बट ग्रुप में नहीं पूछना है, ये आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपने डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कि ऐसा मत कीजिएगा आपको नहीं समझ में आ रहा है आप सेपरेटली पूछिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हैं इफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एल एक्स प्लस एम और एम एक्स क्यूब प्लस में एम वेन एक्स लेस देन जीरो वेन एक्स जीरो ग्रेटर आर इक्वल टू वन जीरो ग्रेटर आर इक्वल टू वन एंड हियर एक्स ग्रेटर देन वन, ओके। यहाँ पे एक बार यहाँ पे दे देते हैं then question ke karne ke liye for what value of integers or what values of integers m and n does the limit limit x tending to 0 fx and limit x tending to 1 fx exists, okay। ये क्वेश्चन दिया हुआ तो हमें कंसर्न क्या दिया गया कि 0 पर भी फंक्शन कैसा है एग्जिस्ट कर रहा है और 1 पे भी फंक्शन कैसा है एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें इसके रिगार्डिंग बात करनी है, तो हमें दो टाइप के फंक्शन बात करनी है। यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे दो फ्रैक्ट हैं, एक पोर्शन होगा LHL एक पोर्शन होगा RHL, ओके। इस पोर्शन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके पास फंक्शन जो है वो यहीं पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव, यहाँ पे होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव के लिए फंक्शन का एक्ट दिया गया है एम एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस में एन, ओके। बट जीरो पॉजिटिव के लिए कहते हैं जीरो से राइट साइड का फंक्शन जीरो से ग्रेटर पोर्शन क्या दिया गया है एन एक्स प्लस एम, ओके। फिर से बात करते हैं यहाँ पे जीरो पुट करेंगे लिमिट
एच टेन इंटू जीरो एम इंटू माइनस एच स्क्वायर, क्यों? क्योंकि जीरो माइनस एच होता है, एम एच स्क्वायर प्लस में एम ले लें, एच टेन इंटू जीरो एम एच स्क्वायर प्लस में एम, देन अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, यहां से क्या हो गया एन जीरो प्लस एन, मतलब यहां पे इसकी वैल्यू आ गई एन, ओके। फिर हमने यहां पर बात करते हैं, यहां पे क्या किया, लिमिट एच टेन इंटू जीरो एन इंटू जीरो प्लस एच प्लस एम, लिमिट एच टेन इंटू जीरो एन एच प्लस एम, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट जीरो प्लस एम इक्वल टू एम, ओके। मतलब यहाँ पे आ गया जीरो से इक्वल कंडीशन क्या आ गई, एम इक्वल टू एन आ गई, ओके। यहाँ पर बात कर रहे हैं वन के लिए एल एच एल एंड यहाँ पर आर एच एल, ओके। यहाँ पर हो गया लिमिट एक्स टेन इंटू वन निगेटिव, लिमिट एक्स टेन इंटू वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव के लिए क्या बात करेंगे, वन से यही फंक्शन है, वन वन से लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन सेम रहेगा, जो जीरो पॉजिटिव था एम प्लस एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन एक्स क्यू प्लस एम, ओके। फिर से बात करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एन ब्रैकेट वन प्लस एन वन माइनस एच प्लस एम, अप्लाई लिमिट, क्या हो जाएगा एन प्लस एम, ओके। ये हो गया हमारे पास, देन यहाँ पे क्या होगा लिमिट एक्स एच टेन टू जीरो एन ब्रैकेट वन प्लस एच क्यू प्लस एम, अप्लाई लिमिट, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट, यहाँ पे लगा एन प्लस एम, दोनों के लिए सेम आया हुआ, दोनों के लिए सेम आया हुआ, मैं क्वेश्चन पेपर चेक करूँगा, सही है, दोनों के लिए सेम आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर m और n की वैल्यू बतानी है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है n इक्वल टू m आया है और यहाँ पे क्या है n प्लस m इक्वल टू m प्लस n, मतलब कहने का है आपको पता था कि वैल्यू ऑफ m और n की वैल्यू बतानी थी, इसके लिए क्या करेंगे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट यहाँ पे जो m है वो m के इक्वल आएगा क्या, ओके, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एन प्लस एम और यहाँ पे एम 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 आया है, तो यहाँ पे एम इक्वल टू एन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है एन प्लस एम इक्वल टू एन प्लस एम आ रहा है, मतलब दोनों वैल्यू क्या होंगी हमारे पास इक्वल आ रही है, कहने का मतलब है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर और एक्स इक्वल टू वन पर दोनों की वैल्यू जीरो सॉरी दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब लिमिट कैसे हो रही है एग्जिस्ट कर रही है, ओके। नोट कीजिए मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ फिर आपको लिखता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड इंटीजर्स m एंड n, तो हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव n इक्वल्स टू m, साथ साथ में लिमिट x टेंडिंग टू वन नेगेटिव इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास दोनों के रिलेशन से कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है बोथ एग्जिस्ट व्हेन एम इक्वल टू एन, ये आपका आंसर रहेगा, ओके। नोट कीजिए आज के लिए आपको लेक्चर करना है, तो सेकेंड में आपको एक दो क्वेश्चन दिए हुए सॉल्व करने के लिए, वो आपको सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ आपके पास जो भी बुक है जो भी रेफरेंस बुक है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे हम कंटिन्यू करें।